हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हम वक्त गहमा गहमी लगी रहती है। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए और गए। किसी को अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है तो किसी को बुरे अल्फाज में। लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे भी है जो अपनी बातों और हरकतों की वजह से वायरल हुए। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ मजाया सीन्स दिखाने वाले हैं जो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुए। मगर इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, हमारा कौमी तराना एक ऐसी चीज है जो हर जुबान पर जद आम है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस इससे बिल्कुल नाला नजर आते हैं। इनको देख कर ताज्जुब होता है कि ये है हमारे सियासतदान। अर्ज़े पाकिस्तान ओ मुल्क सल्तनत ताइंदा तापिंदा वा तू निशाने अर्ज़े पाकिस्तान। क्या है? अज़मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान तरक्की हो कमाल। इसके बाद बात करते हैं बड़े मियां साहब की। ये पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, लेकिन इनको अंग्रेजी जबान से खासी दुश्मनी रही है। देखिए कैसे छोटे मियां की मदद से अंग्रेजी के सर पैर सब तोड़ रहे हैं। कैमरा एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी बच नहीं पाया। इसने मियां साहब को नाड़ा टाइट करते हुए पकड़ लिया, वो भी हेलीकॉप्टर में। यहाँ समझ नहीं आ रहा कि मियां साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या टिश्यू पेपर की प्रमोशन, और क्या कहा ये भी किसी को कुछ समझ नहीं आया। दोस्तों, हमारे सियासतदान कई बार लड़ते हुए भी पकड़े गए, इनमें से एक नजारा ये भी है। थे अमेरिका के पट्टू, उन्होंने बयान दे दे के दे बेचारी को एक स्टेप और ऊपर जाओ। आप लोग वो लोग गुलामी गुलामी के बच्चे इधर नहीं है, आपके लीडर के बच्चे इधर नहीं है, वो अंग्रेज के बच्चे हैं। उनकी भड़वत करते हो जमील साहब, यूसुफ साहब भड़वत करते हो, भड़वत करते हो। मुझे कुछ यार, तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं यार, प्लीज सुन लो, प्लीज भड़वत करके क्या मतलब है तुम्हारा। तहरुल कादरी को कौन नहीं जानता, जो कहते थे कि मैं कफन सर पर पहन कर निकलता हूँ, गोली खाने के लिए मेरा सीना हर वक्त हाजिर है। लेकिन एक छोटे से माइक के फटने से कादरी साहब की जान ही निकल गई। मेरा सीना हाजिर है। अल्ताफ हुसैन की आवाज जितनी अजीब थी, उसकी हरकतें उससे भी अजीब लगती है। आप खुद ही देख लें। बुरके में रहो, बुरका ना उठाओ, बुरका जो उठा तो फेस खुल जाएगा। साईं कायम अली शाह की तो बात ही कुछ और है। ये शेर भी अपने तरीके से पढ़ते हैं, फिर चाहे सही हो या गलत। मुतई लाख बुरा चाहे कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। दोस्तों, बोंगियां तो सारे सियासतदान ही मारते हैं, लेकिन फारूक सत्तार ने तो हद ही कर दी। इस पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, तो कहा जाता है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कहा था कि हम ना हो हमारे बाद अल्ताफल। इसी तरह इमरान खान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब भी अपनी मिसाल आप है। इन सब पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।